भारत के लगभग 70% लोग जो हैं, रोग जितने भी हैं वो जल जनित रोग ही हैं। अगर जल में गंदा है तो पक्का मानिए हमारी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती है, ये हम रोज जानते हैं। इसलिए आप सबको मुझे क्या बताना है, लेकिन आपके माध्यम से जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये बात जाएगी, उनसे मैं चर्चा कर रहा हूं कि जल की गुणवत्ता को हम बनाए रखें, नहीं तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। और दूसरा, जो गुणवत्ता युक्त पेयजल अगर नहीं होगा तो प्लास्टिक बोतल बंद पानी का हमें उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि साफ पानी नहीं है तो प्लास्टिक वाला बोतल वाला पानी चाहिए, और बोतल बंद जल से पर्यावरण में प्लास्टिक प्रदूषण होगा और अधिक मात्रा में बढ़ेगा। जल संकट की स्थिति में सभी को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का जो लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, केंद्र सरकार से लेकर नगर पालिका और ग्राम पंचायत की प्रमुख भूमिका इसमें जरूरी है। हर नगर पालिका की नहीं पर हर नागरिक की भी जरूरी है। इसलिए जल की गुणवत्ता और स्वच्छ जल तक सबकी पहुंच बने, इसलिए सब नगर पालिकाओं को, स्थानिक निकायों को उत्तरदायी हमें बनाना होगा। पानी की हर एक बूंद का हमें उपयोग करना होगा। जल जीवन अभियान के तहत 2024 तक विलेज लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर सभी घरों में पाइप द्वारा जो जल पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है, ये बहुत उचित कदम है, बहुत जरूरी कदम है। मैं इसका अभिनंदन करता हूं और इसकी प्रशंसा करता हूं।